हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लारावेल में ईमेल कैसे सेंड होता है। तो दोस्तों बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये दिखाने वाला हूँ कि लारावेल 9 के अंदर पूरा जो सेटअप ईमेल का कैसे रहता है और कैसे हम उसको सेटअप करते हैं और अलग अलग ईमेल के थ्रू हम अलग अलग थर्ड पार्टी के थ्रू हम ईमेल कैसे भेजते हैं, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास लारावेल का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे सबसे पहले क्लोन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों laravel.com से हमारा जो प्रोजेक्ट है लेटेस्ट, ठीक है, उसको यहाँ पे सबसे पहले क्लोन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लारावेल क्लोन करने का कमांड, तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हमने, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी है आपको जहाँ पे रखना है वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी है सिंपली। तो वो चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सिंपली। दोस्तों यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर वीडियो नाम का फोल्डर है और इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक ईमेल ईमेल प्रोजेक्ट करके एक पूरा यहाँ पे दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम ईमेल प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है उसके अंदर पूरा लारावेल का जो 9 का सेटअप है यहाँ पे दोस्तों इस फोल्डर में पूरा आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी लारावेल 9 जो है वो यहाँ पे क्लोन हो रहा है। एक काम करते दोस्तों यहाँ पे हम जैम जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्लोन होने में थोड़ा टाइम लगेगा फिलहाल, तो इसको क्लोन होने देते हैं सबसे पहले, बाद में जाकर पूरा जो सेटअप है वो यहाँ करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो लारावेल का 9 का जो सेटअप है वो यहाँ पे दोस्तों क्लोन हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पे ईमेल प्रोजेक्ट नाम का हमने फोल्डर बनाया था उसके अंदर चले गए, PHP आर्टिजन सर्व किया, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे दोस्तों लोकल होस्ट सर्वर में रन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ हमारा प्रोजेक्ट, देखिए तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है दोस्तों यहाँ पे रन हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पे एक काम करना है, हम सिंपली इसको पहले सबसे पहले सबलाइन में ओपन कर लेते हैं प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों अपना जो प्रोजेक्ट है वीडियो फोल्डर के अंदर था और ईमेल प्रोजेक्ट करके हमने बनाया था। तो ये चीज़ सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको ईमेल का जो है वो आपको सेटअप करना है, वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ सिंपली। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ, राउट बना रहा हूँ सिंपली, ठीक है, उसके अंदर पूरा हम जो है सेटअप यहाँ पे करेंगे। गेट करता हूँ मैं सेंड ईमेल, ठीक है, ये चीज़ हो गई सिंपली। दोस्तों यहाँ पे अब कंट्रोलर बना देता हूँ एक, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। PHP आर्टिजन मैक कॉलन कंट्रोलर और यहाँ पे दोस्तों मेल कंट्रोलर, तो ये चीज़ हो गई दोस्तों। यहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट वापस रन कर देते हैं, मेल कंट्रोल बन गया। मेल कंट्रोलर के अंदर दोस्तों एक फंक्शंस बनाएंगे मेल सेंड करके, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों लारावेल 9 में जो अभी आपको यूज करके करना पड़ेगा ऊपर नेम स्पेस देके, तो ये चीज़ हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं मेल कंट्रोलर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, मेल कंट्रोल हमने यहाँ पे रख दिया सिंपली। यहाँ पे क्लास किया और क्लास करने के बाद यहाँ पे अपना जो फंक्शन होगा वो आपको यहाँ पे रखना है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेंड फंक्शन, ठीक है, ईमेल सेंड, ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी सिंपली। ये चीज़ जो है फंक्शन जो है वो यहाँ पे आपको कॉल करना पड़ेगा। ये फंक्शन कॉल करने के बाद सिंपली इसको रन करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं कि ये जो हमारा है वो काम कर रहा है कि नहीं। URL सेंड ईमेल का जो URL है वो हम रन करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मेल कंट्रोलर है उसके अंदर ही हम पूरा जो कोड है सेंड ईमेल का यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले इसको रन करते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे अपना सेंड ईमेल URL फायर किया, यस आ गया, मतलब यहाँ पे है हमारा जो है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ करने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब भी आप ENV फाइल ओपन करते हो तो आपको एक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली आपको सेट करना रहता है जब भी आप ईमेल सेंड करिए, ठीक है। तो ये बेसिकली दोस्तों आपको ये पूरा सेटअप करना रहता है ईमेल के लिए। तो अगर दोस्तों आप ये जो आपको है जो आपका यहाँ पे डिटेल्स वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको जीमेल के एक पूरा डेमो दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो SMTP, ठीक है, gmail.com, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे दोस्तों 587 यूज़र नेम, मतलब आपका webfix.dev@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अपना पासवर्ड आएगा ईमेल अकाउंट का, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इनक्रिप्शन TLS और यहाँ पे दोस्तों अपना ईमेल जो है कहाँ से ईमेल सेंड कर रहे हैं वो चीज़। तो ये दोस्तों आपको इतनी चीज़ जो है वो सेटअप करनी है। मेल पासवर्ड जो है आपको यहाँ पे देना है। अगर दोस्तों आप जीमेल के लिए आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आप जीमेल का अकाउंट यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो अपना, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चा अनब्लॉक करना पड़ेगा दोस्तों, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए जीमेल के अंदर डिस्प्ले कैप्चा जो होता है, डिस्प्ले कैप्चा जो है उसका एक आता है पैरामीटर, वो चीज़ आपको
देखिए ऐसा कुछ है यहाँ पे, देखिए तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो ईमेल जो है वो सेंड हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर एक चीज़ आपने नहीं की है, ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने मेरा जीमेल का जो है पूरा सेटअप यहाँ पे मैंने ओपन किया है, अकाउंट का पूरा डिटेल है यहाँ पे दोस्तों। मैंने टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको वो चीज़ नहीं पूछेगी, वरना आपको एक चीज़ अलाउ करनी पड़ती है, लेस सिक्योर एप्स करके कुछ होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको इनेबल करनी रहती है, ठीक है। जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ है वो आपको इनेबल करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन यूज़ नहीं कर रहे हो तो ये चीज़ आपको करना है। अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन यूज़ कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऐप पासवर्ड के अंदर आपको जाना है, और आपको ऐप पासवर्ड जनरेट करके आपको यहाँ पे सिंपली रख देना है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों आप मेन पासवर्ड कभी भी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी हैक होने का खतरा रहता है, तो आपका जो पासवर्ड वगैरह है वो यहाँ से लीक हो जाता है और बाद में जो है पूरा दिक्कत खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखें, जब भी आप ये पूरा सेटअप करें तो अपना ऐप पासवर्ड यूज़ कीजिए, मेन पासवर्ड मत यूज़ कीजिए। और टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो आप ऑन रखिए, ठीक है, और अपना जो सेटअप है वैसे कुछ कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली इतनी जो चीज़ थी ध्यान रखने वाली वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। अभी इसको क्लोज करते हैं सिंपली। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, मैं दोस्तों यहाँ पे मेल ट्रैप का जो है अकाउंट आता है वो यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, जो कि 50 ईमेल जो सेंड करने का फ्री देता है, हम टेस्ट भी यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मेल ट्रैप, ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है आपको। सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना के रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हो तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आप अगर ईमेल के लिए अकाउंट बनाना चाहते हो, ठीक है, ईमेल सेंड करने के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास बहुत ही जो फेक ईमेल जो होता है यहाँ पे जनरेट हो जाता है, तो इसका आप यूज़ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों फेक ईमेल करके अपना अकाउंट जो है वो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे मैंने अकाउंट जो है वो क्रिएट करके रखा हुआ है, तो मैं इसको सिंपली लॉग इन कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पे मैंने लॉग इन कर दिया है, ठीक है। आप भी ऐसे कुछ यहाँ पे ईमेल फेक से अकाउंट बना के आप लॉग इन भी कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है सिंपली। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे लारावेल का जो डिटेल्स है वो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जब भी आप अकाउंट ओपन कीजिए, SMTP सेटिंग जो है आपको यहाँ पे दोस्तों सारा जो जो भी आपको जो जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये चीज़ थी। और दोस्तों यहाँ पे हम लारावेल यूज़ कर रहे हैं, तो लारावेल 7 का जो यहाँ पे दिख रहा है तो वो चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सिंपली। तो इसको मैंने कॉपी किया सिंपली यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों जो जो चीज़ है वो चीज़ हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। SMTP मेलर जो है, ठीक है, वो ऑलरेडी है। SMTP होस्ट भी है, पोर्ट भी है, ठीक है, यूज़र नेम भी है, पासवर्ड भी है, इंक्रिप्शन भी है। तो दोस्तों ये चीज़ हो गई हमारी। तो यहाँ पे दोस्तों अपना जो मेल कॉन्फ़िगरेशन है ये दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ हो चुके। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे अब बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी आप मेल कॉन्फ़िगरेशन सेट करें मेल ट्रैप के साथ, ठीक है, तो मतलब दोस्तों आप जब भी ईमेल सेंड जब भी आप करते हो तो उसका ईमेल जो है वो यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। आप कोई भी ईमेल डाल लो सेंड में, कोई भी ईमेल पे सेंड करो आप ईमेल, ठीक है, लेकिन आप टेस्टिंग क्रेडेंशियल जब तक यूज़ कर रहे हो तभी तक आपको यहाँ पे मेल ट्रैप के अंदर ही आपको ईमेल मिलेगा। तो दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम मेल फंक्शन जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, कॉलन कॉलन सेंड, ठीक है। लारावेल का जो पूरा फंक्शन है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों सिंपली हम ब्लेड फाइल है वो यहाँ पे हम करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों अपना जो डेटा वेरिएबल है उसको पास करेंगे। तो ये चीज़ हो गई सिंपली। दोस्तों यहाँ पे फंक्शंस करना है आपको, फंक्शंस के अंदर एक वेरिएबल जो रहता है मैसेज नाम का, ठीक है, तो वो चीज़ हमको यहाँ पे सेटअप करना है, मैसेज नाम का वेरिएबल। उसके अंदर दोस्तों आपको जो पूरा सेटअप करना है वो चीज़ है यहाँ पे। दोस्तों आप अलग अलग तरीके से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो सिंपली। दोस्तों मैं बेसिकली रिक्वायरमेंट जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप फॉर्म करके भी कर सकते हो, मानो कि आपने यहाँ पे कर दिया अपना वेब ऐप फिक्स, ठीक है, .dev@gmail.com, ये चीज़ हो गई सिंपली। दोस्तों यहाँ पे अपना नेम लिखना है यहाँ पे, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद दोस्तों आपको किसको ईमेल सेंड करना है, तो यहाँ पे दोस्तों टू पे, ठीक है, मानो कि हमने ये सेम रखा यहाँ पे वेब ऐप फिक्स, ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे मानो कि मैं हरेश चौहान कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ हो गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कई सारे फंक्शंस आते हैं, ठीक है, ये मैंने ईमेल सेंड कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, उसका तो मेन रहता है, टेस्ट ईमेल करके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंपली, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सारा कुछ जो रहता है वो बहुत सारे रहते हैं, आप अटैचमेंट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, BCC, CC, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी, वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली ईमेल का जो फंक्शंस था वो ऐसे कुछ यहाँ पे इतना रहता है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक सिंपली कर देता हूँ रिटर्न वेरिएबल, ठीक है, तो हमको पता चलेगा कि हमारा ईमेल जो है वो यहाँ पे सेंड हो रहा है कि नहीं।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज हो गई हमारी, सिंपली यहाँ पे मैं यूज करके मेल लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमने फसाद यूज किया है। तो ये चीज हो गई, सिंपली इसको दोस्तों एक बार सेंड करके देखते हैं कि हमारा जो ईमेल है वो यहाँ पे आता है कि नहीं। इससे पहले दोस्तों एक चीज और करनी पड़ेगी आपको दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हो ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप जो रॉ ऐसा कुछ लिख के ये भी कर सकते हो ठीक है, रॉ मैसेज जो है वो भी ऐसा कुछ आता है। सिंपली आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर दो ठीक है, मानो कि हमने ये किया। सिंपली इस बार मैं रन करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो चीज़ है काम कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने रिफ्रेश किया, देखिए ईमेल सेंड सक्सेसफुली, और यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि हमारा जो ईमेल है वो यहाँ पे आ चुका है टेस्ट करके ठीक है। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर रॉ भी आप यूज कर सकते हो सेंड करने के लिए, आपको यहाँ पे दोनों चीज सेम है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज और यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उसका जो फाइल रहता है ठीक है, ईमेल टेम्पलेट जिसको बोलते हैं, वो चीज मैं यहाँ पे अभी सेट कर रहा हूँ। सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं एक फाइल बना रहा हूँ ईमेल करके ठीक है, emailblade.php। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ये चीज बना दी emailblade.php। उसके अंदर दोस्तों एक चीज मैं और कर रहा हूँ, यहाँ पे ईमेल लिख रहा हूँ ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मैं एक डेटा दे रहा हूँ सिंपली लॉरम जो है पूरा फंक्शन जो रहता है स्ट्रिंग, तो वो चीज मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ लॉरम का जो डेटा है ठीक है। मानो कि ये डेटा जो है मैंने यहाँ पे एज अ डेटा में दे दिया ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी यहाँ पे सिंपली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वेरिएबल जो है डेटा वेरिएबल वो कुछ ऐसे आपको सेंड करना है, यहाँ पे आप कॉमा करके आप रख दीजिए, तो अपना जो डेटा वेरिएबल है वो आगे चला जाएगा। तो दोस्तों ये चीज हो गई, और अपना जो ब्लेड फाइल है उसके अंदर आपको यहाँ पे पूरा HTML बॉडी वगैरह सब कुछ करना है ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो अपना और टेम्पलेट है वो यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे एक चीज जो है आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप HTML टेम्पलेट ईमेल टेम्पलेट के लिए जब भी आप डिजाइन करें ईमेल टेम्पलेट ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको इनलाइन CSS लगनी है ठीक है, या अदरवाइज आपको यहाँ पे इंटरनल जो CSS है वो आपको यहाँ पे यूज करना है। एक्सटर्नल CSS दोस्तों यहाँ पे नहीं रखनी है, क्योंकि एक्सटर्नल CSS होता है वो कहीं ना कहीं फाइल के साथ लिंक होता है, तो वो काम नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप CSS यहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे दोस्तों स्टाइल टैग यूज करके यहाँ पे आप लिखे। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं पी टैग कर दे रहा हूँ ठीक है, पी टैग के अंदर में जो है पूरा जो टैक्स अलाइन है, सॉरी टेक्स फॉन्ट कलर, तो वो चीज मैं यहाँ पे सिंपली दे रहा हूँ ठीक है। कलर थोड़ा सा मैं उसका जो कलर है वो थोड़ा डार्क ग्रे कर रहा हूँ, तो E2 E2 मतलब ऐसा मैंने कलर दे दिया ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम पी टेक लेते हैं, उसके अंदर जो हमारा वेरिएबल होगा वो प्रिंट हो रहा है ठीक है। तो पी टेक के अंदर हमारा जो कलर है वो ऐसा कुछ आएगा। फॉन्ट साइज है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 18 पिक्सल कर देते हैं सिंपली। तो ये चीज़ किया दोस्तों, यहाँ पे मैंने सेव किया सिंपली, इसको भी मैं सेव करता हूँ और वापस एक बार ईमेल जो है वो सेंड करता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ एरर जो है वो यहाँ पे आया है शायद। यहाँ पे दोस्तों आपको ईमेल सेंड करने के लिए आपको कॉम्पैक्ट का फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम व्यू के लिए कॉम्पैक्ट फंक्शन जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सिंपली ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं रन करके आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो ईमेल है वो यहाँ पे सेंड हो रहा है अभी, देखिए ईमेल सेंड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जो थोड़ा उसका कलर जो है वो थोड़ा मैंने यहाँ पे डार्क किया था, तो ये चीज़ मानो कि मैं यहाँ पे रेड कर रहा हूँ सिंपली, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है हमारा CSS है जो काम कर रहा है कि नहीं। मानो कि दोस्तों मैंने ये चीज़ किया यहाँ पे, और उसका मार्जिन जो है मार्जिन टॉप ठीक है वो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 50 पिक्सल। ज़्यादातर दोस्तों जो ईमेल टेम्पलेट होता है वो TRTD के बेस पे जो है वो डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अभी सिंपली HTML के थ्रू मैं जनरेट कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो बेस रहता है तो TRTD के बेस पे वो जनरेट होता है, क्योंकि TRTD में आप दोस्तों आप ईमेल टेम्पलेट बनाते हो डिज़ाइन करते हो ठीक है। तो वो मतलब उसका जो बिखरने का जो पूरा है, मतलब आपने मानो कि जीमेल में ओपन किया तो सही आ रहा है, याहू में ओपन करा तो आपका डिज़ाइन जो है थोड़ा बिखर जाता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे TRTD में देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि जब भी आप ईमेल टेम्पलेट डिज़ाइन करें तो आप TRTD में करें, टेबल टैग के अंदर आप पूरा जो है वो आप करें। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको वापस एक बार ईमेल सेंड करके दिखाता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे दोस्तों एक और ईमेल आया ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैंने 50 पिक्सल ऊपर से छोड़े थे, तो यहाँ पे 50 पिक्सल का जो गैप है वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे दोस्तों अपना जो कलर है वो रेड किया था। तो दोस्तों ये जो हमारा CSS ईमेल टेम्पलेट वो सारा कुछ यहाँ पे दोस्तों काम कर रहा है। मैंने आपको दिखाया दोस्तों कि ईमेल के अंदर डेटा कैसे ले जाते हैं, डेटा कैसे पास करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर कॉम्पैक्ट वेरिएबल यूज नहीं करते हैं ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो जो हम ब्लेड फाइल के अंदर करते हैं बेसिकली, जो उसका पुराना तरीका बोलते हैं इसको, डेटा यहाँ पे सिंपली दोस्तों डेटा वेरिएबल।
ऐसा भी दोस्तों आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। यहाँ पे दोस्तों एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप दोस्तों यहाँ पे आप अटैचमेंट कोई सेंड करना चाहते हो तो वो चीज भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ अटैच के लिए, ठीक है। अटैचमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पे अपना अटैच कीवर्ड और यहाँ पे दोस्तों पब्लिक अंडरस्कोर पाथ, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फाइल है वो पब्लिक अंडरस्कोर पाथ के अंदर फाइल है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे रख दी। यहाँ पे दोस्तों एक फाइल है रॉबोट डॉट टीएक्सटी, ठीक है, ये जो फाइल है इसको मैं सेंड कर रहा हूँ। देखिए रॉबोट डॉट टीएक्सटी जो फाइल है वो दोस्तों यहाँ पे मैं सिंपली जो है अटैचमेंट के अंदर जो पूरा सेटअप है वो यहाँ पे मैं सेंड कर रहा हूँ। और दोस्तों इसको मैं सेंड करके आपको दिखाता हूँ कि अटैचमेंट जो है वो ईमेल के अंदर प्राप्त होता है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों अपना जो मेल है रिसीव होना चाहिए, उसके अंदर अटैचमेंट आना चाहिए, दो चीज़ थी। तो यहाँ पे दोस्तों अपना जो मेल है वो यहाँ पे रिसीव हो चुका है और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि अटैचमेंट है वो यहाँ पे दोस्तों आ चुका है। देखिए आप यहाँ पे अटैचमेंट वन करके यहाँ पे आपको दिख रहा है, सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे रॉबोट डॉट टी एक्स टी फाइल जो है यहाँ पे आपको दिख रही है। तो यहाँ पे दोस्तों इस पर क्लिक करता हूँ मैं तो ये डाउनलोड हो जाएगी। तो ऐसे कुछ दोस्तों आप अटैचमेंट भी सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि मेल फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है और ऐसे दोस्तों अपना काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी, सीसी कार्बन कॉपी वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसका सिंपली यहाँ पे दोस्तों आपको ये चीज़ करना है बीसीसी, ठीक है, और आपका एक जो बाकी सारा ईमेल है जो जिसको आप ब्लाइंड करना चाहते हो यहाँ पे रखना है, ठीक है। आप सीसी भी यूज कर सकते हो। दोस्तों आप अपने हिसाब से जो है प्रोजेक्ट में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन है दोस्तों उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर दोस्तों आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं उस पर उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।